आतंकी हमले के 12 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान से अपना बदला लिया है। पाकिस्तान के 200 किलो के बम का जवाब भारत ने 1000 किलो बम गिरा कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने सुबह 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके हिसाब से ये कार्रवाई सुबह 3:30 बजे हुई है, जिसमें भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने पीओके के बालाकोट और चकोटी में जबरदस्त बमबारी की। इस बमबारी में जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। इस हमले में अब तक कितने आतंकी मारे गए, हालांकि इस बात की जानकारी हमें नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है पीओके में। माना जा रहा है कि मारे गए आतंकियों की संख्या 200 से 300 तक हो सकती है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब करगिल युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना ने सीमा लांघी और पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक किया है। यही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने भी भारतीय विमानों के पीओके में घुसने की बात मानी है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता की ने इस मामले में सुबह एक ट्वीट किया, जिसमें उसने भारतीय सेना पर आरोप लगाया कि भारतीय वायुसेना ने सीमा का उल्लंघन किया है। तब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सूत्रों के हवाले से जो खबर आई वो ये थी कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान ने कहा था कि उसको इस पूरे हमले में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की सेना भी तैयार बैठी थी और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद भारतीय विमान वापस लौट गए। लेकिन जो हमारे पास खबर आ रही है उसके हिसाब से ये है कि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठन को भारी नुकसान हुआ है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, इस हमले में करीब 200 से 300 आतंकी मारे जा सकते हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना आज इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। हम आपको बता दें कि ये जो खबरें हम आपको दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। आपको बता दें कि 12 दिन पहले 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठन ने एक हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। न्यूज एजेंसी ANI ने जो खबर दी है उसके मुताबिक भी हम आपको बता दें कि वायुसेना के मिराज विमानों ने पीओके के बालाकोट और चकोटी में जबरदस्त बमबारी की है और कई आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए हैं। भारतीय वायुसेना के करीब 12 मिराज विमानों ने 1000 किलो के बम पाकिस्तान के इन बालाकोट और चकोटी इलाके में गिराए हैं। भारत पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान के मेजर जनरल आसिफ कपूर ने भी ट्वीट किया था इस मामले में। उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद सेक्टर के से घुसपैठ की कोशिश की थी। उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तानी सेना द्वारा ठीक समय पर प्रभावी जवाब दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी थी कि इस घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो खबर हमें मिल रही है उसके हिसाब से पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन को भारी नुकसान हुआ है।